हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं सूरज मंडोल आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। देखिए दोस्तों, आज है 5 स्टार का मार्डिंग बनेगा। 4 पीस 50 ग्राम से 55 ग्राम के अंदर बनाना है। नया वीडियो है, सिंपल सा डिजाइन है, लेकिन आपको देखने में अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं 5 स्टार बनाऊँगा। ये देखिए, सोने से लगभग 22 ग्राम में सोना है और 4 दाग चौड़ा पे 5 स्टार बनाऊँगा। तो 5 स्टार के लिए देखिए, तार बनाए पहले मैं। 3.5 दाग अगर आप तार करेंगे तो उससे 5 स्टार बन जाएगा। तो इसके बाद ये देखिए, तो 22 ग्राम सोना था, इसमें अगर हमको 7.5 इंच पर करता हूँ मैं, 7.5 इंच, तो मुझे 15, 7, 7, 14, 15, 30 इंच मुझे पट्टी करना होगा। लाइनिंग होगा, इसके ऊपर लाइनिंग भी किया जाएगा, तो टोटल 30 इंच होगा। तो आप 30 इंच से 32 इंच रख सकते हैं। इसके बाद इसे तपाएंगे, और तपाने के बाद इसे लाइनिंग भी किया जाएगा, इसके ऊपर लाइनिंग आएगा। तो पहले अच्छे से मैं तपा लेता हूँ, उसके बाद लाइनिंग मशीन पर जाके लाइन मारूंगा। ये देखिए, ये लाइनिंग मशीन है, इसके ऊपर एक लाइन आएगा, बॉर्डर आएगा, इसे कहते हैं लाइनिंग मशीन। इस लाइनिंग बहुत तरीके से होता है, बहुत डिजाइन रहते हैं इसमें, लंबा वाला, टेढ़ा, बहुत सारे डिजाइन इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद वापस तपाऊँगा, और तपाने के बाद इसे मैं साफ करूँगा प्लास्टर एसिड में। और अच्छे पानी से इसे धोना पड़ेगा। देखिए लाइनिंग है, ये जो आप डिजाइन दिख रहे हैं इसे कहते हैं लाइनिंग। ये होने के बाद मैं अभी बिजली बनाऊँगा। तो बिजली बनाने के लिए मैंने जो है ना, मैंने 24 ग्राम सोना लिया था। 24 ग्राम, एक बिजली कम से कम 2.5 ग्राम से 2 ग्राम, 800 800 के बीच में होगा एक बिजली। और बिजली का चौड़ा कम रखूँगा इस टाइम में, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी होगा बिजली। दोस्तों, इस वीडियो के जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, आप मुझे उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ से भी बहुत सारा वीडियो रील्स आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे दूसरे जो सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बिजली बनाऊंगा, देखिए तार बना रहा हूँ मैं बिजली के लिए। अभी देखिए बिजली बनाई है, देखिए 7 इंच और 4 लाइन है, थोड़ा कम है, 7 इंच 4 लाइन है। दो देखिए, तार को अभी बैंड देंगे। ये जाड़ा तार है, नीचे हाफ नहीं लगाऊंगा, ये जो पट्टी है जाड़ा है, थोड़ा इस तरीके से गोल करेंगे। हमेशा इस तरीके से गोल करना अच्छा होता है। और उसके बाद इसका मुँह जो है ना, इसे सोल्डर करेंगे। सोल्डर करने के बाद आप धोखे से, नहीं तो ये मशीन रहता है, मशीन से भी आप गोल कर सकते हैं। एक साथ सारे बिजली गोल करना है। अगर मशीन कैसे, मतलब कैसे इसमें गोल करना होता है, अगर आपको सीखना है, जानना है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी जो बिजली बनाया था और जो पहले पट्टी बनाया था, तो देखिए उसको ऊपर से चढ़ाऊँगा, और थोड़ा सा गैप रख के मैं इसका काट लूँगा। थोड़ा सा गैप रख के काटने के बाद इसको भी सोल्डर करना होगा, ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन करना होगा। ये देखिए, इतना सा गैप रखा रखा है मैंने। और आप कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ, आप टाली पे रख के भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको, आपकी मर्ज़ी हो। ये देखिए मैं इस तरीके से ज्वाइन करता हूँ। तो सोल्डर करने के बाद ये देखिए, इसे गोल करूँगा, दुकान में गोल करूँगा, और मशीन जो है ना, मशीन पे भी गोल करूँगा। मशीन बहुत ही अच्छा है ये 5 स्टार गोल करने के लिए। ये देखिए मशीन रहा तो बहुत ही अच्छा है। जो बिजली बनाया था, बिजली के अंदर, मतलब बिजली इसके अंदर से जाना चाहिए, उतना गोल करना है। ये देखिए, तो बिजली ठीक ठाक बैठना चाहिए अंदर। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के स्पॉट मारना है, ठीक है। पहले पक्का नहीं करना है, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके पहले से सेटिंग करना है बिजली के साथ। 5 स्टार को पहले सेटिंग करना है। फिर दोस्तों, स्पॉट मारने के बाद देखिए, आप वापस सोया का पानी लगाना है, और सोया का पानी लगाने के बाद इसे पक्का सोल्डर करेंगे। अभी पूरा केजम चलाएंगे, चारों तरफ से इसे पक्का सोल्डर करेंगे। अब इसके बाद
मुझे पट्टी कटना है। देखिए, या आप 17 के 18 के इस तार को पट्टी करके जो इस तरीके से काटेंगे, देखिए जो चौड़ा हो, मांगड़ का चौड़ा है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज लेना है आपको। माप करके पहले चेक करना है, मैं पहले चेक कर लिया और उसके बाद जो है फाइनल पूरा पीस जो है पट्टी काट रहा हूँ मैं। देखिए एक साथ मैं 3 चाल लेके इस तरह पीटेंगे और यहाँ पर राउंड पट्टी बनेगा और बांगड़ी के ऊपर इस तरह से एक हिस्से में लगेगा, जो हिस्से बनाया था हर हिस्से में एक एक करके लगाना है पहले। अभी देखिए ये पट्टी मैंने छाप कर लाया, ये देखिए मार्केट से लाइलिंग, एक भी एक लाइलिंग है, लंबा लंबा लाइलिंग ऐसे लगा के तार 3 4 मतलब तार एक साथ लगा हुआ है ऐसा आपको लगेगा देखने में। ये पट्टी लगने के बाद देखिए पहले इसके 4 हिस्सा 3 हिस्सा था, तो उस 3 हिस्से में से वापस और एक हिस्सा बनेगा, तो मैंने आधा से थोड़ा कम जो है ये पट्टी को काटा और काट के बीच में पूरा शोल्डर किया और साइड में एक एक बिनी लगाऊंगा, दोनों साइड एक एक बिनी भी शोल्डर करना है। ये सारे डिजाइन को एक साथ लोहे के तार से बांध के भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा होगा। लोहे के तार में ऐसा लगा के बांध देना है, फिर शोल्डर करेंगे, वो भी अच्छा होगा। उसके बाद ये देखिए इधर आखिरी हिस्से में पट्टी लगा दूंगा, फिर एक हिस्सा बन जाएगा और इधर जो गैप रहेगा इधर भी डिजाइन हो जाएगा बाद में। अभी देखिए ये तार का पीस है 24 गज तार से, इस तरीके से कुछ जो आपने देखा डिजाइन देखा था वो डिजाइन उसमें से होने वाला है, वो भी हो रहा है, डिजाइन हो रहा है उसमें से। एक एक का होगा, एक एस होगा, तो एक का मैं अभी बना रहा हूँ और जो लंबा एस है देखिए बाजू में वो भी किया हुआ है और एस लंबा है, अगर नहीं बैठा तो थोड़ा सा धोखा में रिंग रॉड में बड़ा रिंग रॉड में थोड़ा सा बैंड देना है। देखिए वाला जो पीस है जो तार है ना तो बहुत लंबा है तो बैठेगा नहीं सीधा सीधा, थोड़ा सा अगर आप धोखे में या जो बड़ा वाला रिंग रॉड है उसमें बैंड देंगे तो बैठ जाएगा। ये देखिए चौक पता इसमें मीना होगा, ये भी बिठा लेंगे एक साथ। पहले तार को सोल्डर कर लिया मैंने, ठीक है, उसके बाद ये मैं पीस सजा रहा हूँ, जो तार है प्लेन तार पहले उसको मैंने सोल्डर कर लिया, उसके बाद ये मीना का पीस सजा रहा हूँ। पहले मैंने तार को सोल्डर कर लिया था अच्छे से, उसके बाद मीना का जो पीस है वो मैंने सजाया और ये 3 प्लेन डाई देख रहे हैं वो भी सजाया, तो ये सोल्डर हो जाएगा, 3 3 हिस्सा है। ये सोल्डर करने के बाद बांग लगभग तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये बांगड़ी अभी एडिट कर लिया है मैंने पॉलिश से पहले है, अभी अच्छा लग रहा है दिखने में, ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है दिखने में, पत्ते का डिज़ाइन। इसमें मीना होगा, ताश होगा, पॉलिश होगा, मीना का वीडियो अवेलेबल है, मीना कैसे होता है आप देखना है तो आप लिख सकते हैं मीना कैसे होता है, तो आपको मिल जाएगा मीना का वीडियो कैसे बांधते हैं, पूरा डिटेल्स A to Z है, आप 2 3 वीडियो है आप देख सकते हैं कैसे मीना होता है। और ये रहा मीना ताश पॉलिश होने के बाद, ये देखिए अभी ताश पॉलिश हो चुका है तो अच्छा लग रहा है दिखने में, कैसा मीना हो चुका है जैसे मैंने कहा मीना का वीडियो है, आप देख सकते हैं कैसे मीना होता है। और दोस्तों कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना, वीडियो का अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ या फैमिली ग्रुप में शेयर जरूर करना, इससे जो मुझे हेल्प हो जाएगा मेरा थोड़ा। और कुछ कमेंट कुछ सवाल रहता है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो का अच्छा लगा तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, तो आपके साथ वापस मिलूंगा एक और नया वीडियो में।